that out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holland tried to score. तू 11 लोगों का कप्तान नहीं है, तू 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है, समझ ले इस चीज को। और आज बीच में जाके ये तूने तय करना है कि मैच जीतने के बाद 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो खुशी खुशी प्यार से सोएंगे या मैच हारने के बाद रोते हुए। कैसा रहा 83 का पहले दिन का कलेक्शन? क्या सूर्यवंशी और पुष्पा को टक्कर देगी 83? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, फाइनली लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 रिलीज हो गई। फिल्म 1983 वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक लम्हे पर बनी है, जिसके लीड एक्टर रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह ने फिल्म में कपिल देव की भूमिका अदा की है। 83 में रणवीर हूबहू कपिल देव ही नजर आ रहे हैं, इसके लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट की भी तारीफ करनी पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं हिंदुस्तान के खास पल की गवाह फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन कैसा रहा। रिलीज से पहले ही 83 को लोगों ने जमकर बहुत एंजॉय किया कि अब फिल्म आने वाली है, बस बना रहा मन ही मन। हर फिल्मी फैन ये मान बैठा था कि ये सुपर हिट होगी, और ऐसा हुआ भी। दर्शकों को रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। यही कारण है कि पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। बॉक्स ऑफिस india.com की माने तो 83 ने अपने ओपनिंग डे में 15 करोड़ का कलेक्शन किया है। कमाई के मामले में रणवीर सिंह की फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से थोड़ा पीछे ही रही, लेकिन आने वाले टाइम में ये फिल्म और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खास होने वाला है। दोस्तों, सूर्यवंशी ने पहले दिन 26 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं पुष्पा ने फर्स्ट डे कमाए थे 50 करोड़। तो ऐसे में 83 पीछे तो दिख रही है, लेकिन ट्रेड पंडितों की माने तो वीकेंड में ये तहलका मचा सकती है, क्योंकि क्रिटिक्स और दर्शकों के बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। हर कोई फिल्म की तारीफें कर रहा है, स्टार्स की एक्टिंग की तारीफें कर रहा है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण कपिल देव की पत्नी का रोल अदा कर रही हैं। दीपिका फिल्म के एक्ट्रेस होने के साथ साथ इसकी प्रोड्यूसर भी हैं। 83 की रिलीज से पहले इसका ग्रैंड प्रीमियर हुआ था। प्रीमियर में फिल्मी स्टार्स के साथ साथ 1983 वर्ल्ड कप खेलने वाले क्रिकेटर्स भी शामिल थे। बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स की मौजूदगी में प्रीमियर की जो रौनक थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। 83 की स्क्रीनिंग पर मस्ती मजाक के साथ कुछ भावुक पल भी थे। फिल्म स्क्रीनिंग पर साकिब सलीम इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, और ऐसा हो भी क्यों ना, जब वो ऐतिहासिक पल हमें भी याद आता है तो हमारी भी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। जब 1983 में वर्ल्ड कप हुआ होगा और जब इंडिया ने पहली बार जीत हासिल की होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में 83 कितने करोड़ का कलेक्शन कर लेगी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।